नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है अब्बास भाई, जिनका पैकिंग से रिलेटेड कदीम जमाने से खुला हुआ बिजनेस है। जो कि अच्छा सर, इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो हमारे केन्स होते हैं, ये केन्स के अंदर आप खाना जो पैक करवाते हैं, अपने घर का हो, बाजार का हो, कोई भी किस्म का खाना हो, जिसमें मुख्तलिफ खाने होते हैं, जिसमें आपका कुक हुआ हुआ सालन होता है, सी फूड होता है, बारबेक्यू होता है, राइस के अंदर आप बिरयानी पुलाव ले लें, या रोलियों के अंदर आप शेरमाल दावतान या कोई पराठे ले लें, तो ये घर के अंदर भी कुक होते हैं, बाहर से भी परचेज करके लोग हमसे पैक करवाते हैं। मुख्तलिफ खाने अलग अलग किस्म के हिसाब से पके हुए होते हैं, तो उनको अलग टेम्परेचर देना, उनका फूड डेट देखते हुए, उससे मद्देनज़र देखते हुए हर चीज़ करके परफेक्टली उसको पैक करके इन केन्स के अंदर हम लोग टाइम देकर उसको पैक करके आपको विदाउट फ्रिज 6 मंथ तक रह जाएगा। तो आपको चीज़ बताते हुए चलते हैं कि हम श्योरिटी देते हैं कि आप पैक करवाने के बाद आपके पास कोई शक व शुबा हो तो आप उसको लेबॉरेटरी करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी टूर वगैरह पे लोग जो ले जाते हैं तो वो जो है इवन के अपने बच्चों के लिए दलिया वगैरह भी पैक करवाते हैं, तो दलिया जैसी बात है बच्चे वगैरह यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, तो विदाउट केमिकल ही करना पड़ेगा, वरना मुजरे सेहत हो जाएगा ये चीज़। अच्छा, अब अब्बास भाई हम आ जाते हैं थोड़ा सा प्राइसिंग की तरफ। तो प्राइसिंग छोटे आपके बॉक्स की, छोटे टिन की क्या है, और प्राइसिंग वेरी करती है आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, ये थोड़ा सा बताइए हमें। अच्छा सर, मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने आपको अभी केन्स बताए हैं, ये केन्स की प्राइस जो है बिजनेस क्वालिटी से लेते हैं तो उसकी अलग है, लेकिन लोकल बेस पे पब्लिक करवाती है तो उसकी अलग है। लेकिन ऐसा है कि इसमें 950 ग्राम का, ये 350 का है पर केन, पर डे पैकिंग के साथ, पैकिंग के साथ प्रॉपर पैकिंग के साथ जो है, विदाउट केमिकल पैकिंग के साथ प्रॉपर, जो विदाउट फ्रिज 6 मंथ रहेगा, 950 ग्राम वाला 350 का है, 450 ग्राम वाला 250 का है विदाउट केमिकल पैकिंग। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ की हम लोग सहूलत देते हैं, इजीली बंदा कैरी करके उसको यूज़ कर सके, वरना बाज दफ़ा जो है उसमें हाथ कटने का खतरा होता है, क्योंकि ये टिन प्लेट है, बहुत ख़तरनाक होती है। तो उसमें हम लोग जो है इजी ओपनर देते हैं, जो इजीली बंदा जो है उसको, अच्छा इसके अंदर गर्म करने की भी हिदायतें वगैरह जो होती हैं इसमें हमने मेंशन की हुई होती है कि किस तरीके से उसको गर्म करके यूज़ करना है अपने खाने को। इजीली आप उसको गर्म कर सकते हैं, इसमें लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस, इजीली आप उसको ओपन कर सकते हैं, ओपनर लगा हुआ होता है इजीली, इसमें हाथ कटने का या दीगर चीज़ों का ऐसा नहीं है कि हम जो है पूरे सॉर्ट करेंगे या 50 करेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक लेकर आएंगे, हम एक भी करके देंगे आपको, और 100 बोलेंगे 100 भी करके देंगे, 1000 बोलेंगे 1000 भी। कि चावल को अलग तरीके से मतलब घर में पका रहे हैं तो उसको पानी ना दें, क्योंकि हम लोग जो टेम्परेचर देते हैं तो उसको स्टीम देते हैं मशीन के अंदर, टेम्परेचर देते हैं तो चावल उसमें मज़ीद जो है पकता है। तो हम चावल को बोलते हैं हल्की सी कनी रहने दें, सालन को बोलते हैं कि सालन के अंदर रोगन रखें, ऊपर से गार्निश ना करें, गोश्त वगैरह की आइटम है तो उसको थोड़ा सा मामूली सा कच्चा रखें। तो ये तो थोड़े से तौर तरीके हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। आप ये करते हैं दैन उसको मैं पैक करके आपको देता हूँ डब्बों के अंदर, टिन पैक के अंदर, ये बहुत अच्छी शेल्फ लाइफ होती है। जब इसको सालन को डब्बों में डालते हैं, टिन्स में डालते हैं, इसके बाद पूरा आपका एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसके अंदर मशीन्स शामिल हैं, सारा कुछ शामिल है, तो सारी चीज़ों की क्लीनिंग, रेगुलर सफाई, वो सब आप मेंटेन करते हैं बिल्कुल? ऐसी बात है सर, फूड ग्रेड का काम हो रहा है, फूड ग्रेड के लेवल पे हमें सारी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती है। इवन के हमारे पास काउंटर पे खाना हम लोग टिन के अंदर पब्लिक के सामने ही डाल रहे होते हैं, तो ग्लव्स का प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं अपने बर्तनों को कि तरीके से बिल्कुल परफेक्टली जो है हम टिन के अंदर खाना जाएँ, बैक्टीरिया ना आए। इवन के डालते हुए थोड़ा बहुत भी बैक्टीरिया आ जाता है तो हमारी मशीनों में जाकर हम लोग जो टेम्परेचर देते हैं स्टीम से, वैक्यूम करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसमें जितना भी बैक्टीरिया गया हुआ होता है आप लोग के सामने जो टिन में डालते हैं तो वो सारा ख़त्म किया जाता है। उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने का और आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको परफेक्टली उसको पैक करके दे रहे हैं। अच्छा, तो अब्बास भाई हमें, जैसे कि अभी सैलाबी सिचुएशन चल रही है और हर एनजीओ जो है वो मदद के लिए राशन लोड करवा के जो है वो सैलाब जदगान को जो है वो पहुंचा रही है, तो इस सिलसिले में सुनने में हमें आपके हवाले से भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आई हैं, तो ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने किस तरह से अपना हिस्सा जो है वो इस सिचुएशन में डाला। मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपना खाना पकवा के, पकवान सेंटर से मंगवा के टिन पैक्स में, ये छोटे वाले बस ये 3 से 4% को यूज़ कर सकते हैं, तो इजीली हम लोग उसके अंदर अपने पकवान से बनवा के
खाना इस टिन पैक में पैक करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बलूचिस्तान वगैरह पहुंचा रहे हैं कि इजीली वो जो है अपना रहना गुजर बसर कर सके, खाने के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं है। तो ये हम खुद पर्सनली कर रहे हैं। अच्छा, सेकंडली आप आ जाते हैं कस्टमर्स जो आ रहे हैं पैक करवाने के लिए, उनके लिए बेचारों के लिए बलूचिस्तान एम्बुलेंस इन वगैरह दीकर जहाँ पे सैलाब आया है वहाँ के लिए लोग पैक करवा रहे हैं, उनके लिए हमने ये सर्विस दी है बॉस। इसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट काम करके दे रहे हैं, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट पैक करके दे रहे हैं। इसमें हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें प्रॉफिट मिल जाता है साल के 12 महीने। ये सिचुएशन में हमने कमाना है तो फिर बेकार है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला आपको इसकी जजाय खैर दे और ये बहुत अच्छा और बहुत नेक काम जो है वो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, जजाकल्ला, थैंक यू। क्या बात है।